13 से 21 साल के लड़कों को टीवी देखकर वीर्यनाश करने की आदत लग चुकी है। कुछ लोग मोबाइल और लैपटॉप सामने रखकर गलत काम करते हैं और बाकी सब मन में ही अश्लील चीजें सोचकर शुरू हो जाते हैं। टीवी में कोई रोमांटिक सीन देख लिया तो बस सीधा चले जाते हैं वीर्यनाश करने। लोग कहते हैं कि चारों तरफ ही अश्लीलता का माहौल है, इसमें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। खुद को ट्रांसफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, हमसे सिर्फ 2 दिन भी कंट्रोल नहीं होता, किधर से होगा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, किसी भाई का अगर 2 दिन भी पूरा हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि उसके 200 दिन पूरे ना हो सके। जो ये कहते हैं कि बहुत सारे अश्लील फिल्में बन रही हैं बोलकर इस वजह से हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मेरे भाई एक फैक्ट समझ लो, हर दिन अनगिनत अश्लील वीडियोस बनाए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ताकि आप इन सब में फंसे रहो। जो भी वीर्यनाश करते हैं, सच बताना मुझे, क्या आप गुलाम रहना चाहते हो? आप बोलोगे नहीं भाई, कौन गुलाम रहना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रहते तो हो और न जाने कितने साल से काम वासना गुलाम बनाए हुए है। दयानंद सरस्वती जो एक महान ब्रह्मचारी थे, उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ पाखंडी लोगों ने एक वैश्य को उनके पास भेजा। दयानंद सरस्वती जी उस वक्त ध्यान में लीन थे, आंखें खोली तो एक वैश्य को सामने पाया। अब आता है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पल, जब दयानंद सरस्वती जी उस वैश्य से कहते हैं, माता तुम यहां पर किस लिए आई हो? ये सुनकर उस वैश्य को यकीन तक नहीं आया कि कोई मुझे इतने रेस्पेक्ट के साथ भी बुला सकता है। वैश्य के आंखों में आंसू आ गए और ठीक उसी वक्त संकल्प लिया इस धंधे को हमेशा के लिए छोड़ने का। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक वैश्य अपना धंधा छोड़ सकती है, अश्लीलता से ऊपर उठ सकती है, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो क्या आप नहीं कर सकते? दोस्तों कल हम लोग करेंगे संडे Q&A वीडियो, तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे साथ जुड़िए, मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ जो रोज अश्लील फिल्में देखता है, ताकि उनकी भी मदद हो सके।